ही आप फोन ले चलते हैं छपरा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में, जहां हंगरी के विक्टर जी को यहां पे रखा गया था। करीब 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद विक्टर जी को ने आज प्रशासन से कई बार इजाजत मांगी कि वो अपनी यात्रा पे निकल सके, लेकिन प्रशासन द्वारा इस बात की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद विक्टर जी को ने स्वयं आज अल सुबह 3 बजे छपरा से प्रस्थान कर गए थे, जिसके बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिलते ही जिला प्रशासन ने इन्हें पुनः दरभंगा के समीप से बुलवा लिया है और पुनः इन्हें छपरा सदर अस्पताल में रख दिया गया है। अब आइए आपको ले चलते हैं विक्टर जीतो के मुख से, आप सुनिए इन्हें, देख लीजिए। आप ये भी देख सकते हैं कि छपरा सदर अस्पताल में इन्हें किस प्रकार का भोजन दिया गया। क्या विक्टर जी को हंगरी का रहने वाला जो कि निवासी है, इसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा ऐसा ही भोजन व्यवस्था की जानी चाहिए? क्या इस भोजन के सहारे ये रह पाएंगे? आइए आपको हम ले चलते हैं डायरेक्ट विक्टर जी को से। विक्टर जी को व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट यू से अबाउट दिस? Our district administration and also government decisions. I have to tell you that you brought a healthy man in the hospital. This healthy man became sick after 55 days. A sick man left the hospital after 55 days because it came to the point when it was over. Can you imagine 55 days in the hospital being totally healthy? I think not really. So it was enough for me, and I escaped because the orders, current orders, that are about movement, tourists, good ones, say that I'm going to move 6th April 29th. But according to the district administration, no. I tried to ask the dean, where is it written? Where is it written that I cannot go? I cannot pursue my treatment. And he said, you have to read between the lines, you will understand. I was totally freaking out. I was flipped out totally. And that's why it came to this point. I left the hospital without asking anybody, without telling anybody. What do you do now? Who knows? Who knows? I'm mentally not healthy. Who knows what will happen? I must be free. I'm not free. This is a jail for me. I am not free. Because human being decided to make healthy people unfree for the sake of sleeping. This is what lockdown is about. चलिए, आपने देखा कि विक्टर जी तो किस तरह से अपसेट हैं और कितना अपसेट है ये खुद आपको बता सकते हैं। आपने अभी देखा, ये अपने आप को पूरी तरह बंदी की तरह यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फ्री रहें, फ्री खाएं पिए, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को एक बंदी की तरह महसूस करते हैं। ऊपर से यहाँ अस्पताल प्रशासन में जिस प्रकार का उन्हें भोजन दिया जा रहा है, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो इस भोजन को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी है, भोजन खाना है, भूख लगी है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस भोजन को खाने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। अब आगे आप सोच सकते हैं कि विक्टर जी को कितना अपसेट है और किस कदर परेशान।